Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैथ्स के एक प्रोफेसर की निजी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एलजेब्रा और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते करते महिलाओं से जुड़ी सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। ढोंडो केशव कर्वे का जन्म 1858 में महाराष्ट्र के एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। जैसी कि उस जमाने में प्रथा थी, 14 साल के ढोंडो की शादी 8 साल की राधाबाई से कर दी गई। अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद कर्वे जी फर्गुसन में अभी मैथ्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए ही थे कि उनकी पत्नी राधाबाई उनके बेटे को जन्म देते हुए गुजर गई। कर्वे जी का बसा बसाया घर एक झटके में उजड़ गया। अपने बेटे रघुनाथ को भी अब उन्हें अकेले ही संभालना था। वो अभी इस पर्सनल ट्रेजेडी से उबर ही रहे थे कि उन्हें रियलाइज हुआ कि समाज एक विधवा को एक विधुर से बिल्कुल अलग ट्रीट करता है। यदि एक पुरुष की पत्नी का देहांत हो जाए तो समाज उसे सामान्य नजरों से देखता था, मगर यदि एक महिला विधवा हो जाए तो उसे कड़े नियमों के तहत अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। यही नहीं, उन्हें अपशगुन भी माना जाता था। कर्वे जी को ये प्रॉब्लम एलजेब्रा और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी लगी। वो इक्वालिटी में विश्वास रखते थे और किसी भी कीमत पर विधवाओं के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इसकी शुरुआत उन्होंने गोदूबाई से शादी करके की, जो एक विधवा थी। आसपास के लोगों को उनके इस फैसले से बहुत आपत्ति हुई, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कर्वे जी ने कठिन रास्ता चुना था, पर अब वो इस सफर पर निकल पड़े थे। बस फिर क्या था, 1893 में उन्होंने विडो रीमैरिजेस को प्रमोट करने के लिए और उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए विधवा विवाह उत्तेजक मंडली की स्थापना की। कर्वे जी विधवाओं को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे। इस संस्था को चलाने के एक्सपीरियंस ने कर्वे जी को और कॉन्फिडेंट बनाया और उन्हें लगा कि विधवाओं को पढ़ाना और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए 1896 में उन्होंने पूना के पास हिंगणे गांव में एक स्कूल खोला, जो भारत में विधवाओं का पहला स्कूल था। उन्होंने एग्जाम्पल सेट करते हुए घर से ही शुरुआत की और उनकी विधवा भाभी स्कूल की पहली स्टूडेंट बनी। कर्वे जी के प्रयासों ने 19वीं सदी में चल रही विमेन एम्पावरमेंट की हवा को आंधी में बदल दिया। जिस दौर में विधवाओं को बेसिक ह्यूमन राइट्स दिलाना एक सपने के बराबर था, वहां कर्वे जी ने उन्हें पढ़ा लिखा कर महिलाओं के लिए कई दरवाजे खोल दिए। फर्ग्यूसन से रिटायर होने के बाद कर्वे जी ने अपना सारा ध्यान अपने सपने की ओर केंद्रित किया। वो जापान्स विमेन यूनिवर्सिटी के विमेन ओनली स्टूडेंट्स के मॉडल से बहुत प्रभावित हुए और उसे भारत में रेप्लिकेट करना चाहते थे। वो भारत की पहली ऑल विमेन यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव लेकर विठल दास ठाकर से के पास गए, जो कि इसके लिए कर्वे जी को 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। हर महिला को शिक्षित करने के उनके सपने ने आखिरकार उड़ान भरी और SNDT यूनिवर्सिटी यानी श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से यूनिवर्सिटी ने 1916 में पुणे में जन्म लिया। सिर्फ 5 स्टूडेंट से शुरुआत करने वाली भारत की इस पहली विमेन्स यूनिवर्सिटी से अब हर साल करीब 70,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। जिस समाज से वो जीवन भर लड़ रहे थे, आखिरकार उसी समाज ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी। भारत सरकार ने भी उनके कंट्रीब्यूशन को पहचाना और 1955 में पद्म विभूषण और 1958 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया। कर्वे जी अक्सर कहा करते थे, इट इज बेटर टू लाइट अ लैम्प इन द डार्कनेस देन टू जस्ट कर्स इट। उन्होंने अपने काम के द्वारा कई महिलाओं की जिंदगियां रोशन की।